भारत सांस्कृतिक, नैतिक और मूल्यात्मक परंपराओं का परीक्षक रहा है। यहाँ जीवन मूल्य और सौंदर्य शास्त्र की बारीकियों को समझा गया है। भारतीय कारीगर भी अपनी परंपराओं, अपनी कला, स्वस्थ प्रयास और जीवंतता के साथ इससे जुड़े हैं। हस्तशिल्पकार, दस्तकार, शिल्पकार, बुनकर, कारीगर हमारे जीवन के साथ पूरी तरह रच बस गए हैं, अपने हाथों के अलबेले हुनर के साथ। और आज इसी जुड़ाव की खोज है लखनऊ में। चिकन नवाज चिकन साज मुझको कहते हैं, अवध का माहे गुलफाम मुझको कहते हैं, चिकन का काम है मेरे ही घराने से, जहाँ में नाम है मेरे ही घराने का। तो लखनऊ चिकन भी कहते हैं, चिकन एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं और दस्तकारी भी कहते हैं, चिकन दस्तकारी। तो ये हमारे यानी बाप के परदादा के ज़माने से, यानी सातवीं पीढ़ी अब चल रही है ये मोहसिन खां के टाइम पे। अब हम तो पाँचवीं पीढ़ी हैं, तो हमारी छठी पीढ़ी थी, हमारा बेटा जो अभी इंतकाल हो गया, आज डेढ़ महीना करीब हुआ है, वो भी चिकन का काम करते थे, बहुत फैंसी अच्छा काम। और हम चिकन ही का काम, मतलब ख़ानदान ही रहा हमारा। तो जैसे मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, तो हमको तैरना क्या होगा, हमने देखा सब काम बनाते हैं, हम भी सुई पकड़ना शुरू कर दिया छोटी उम्र में, 8-9 साल की उम्र में हमने सुई पकड़ना शुरू कर दिया। फिर हमारे बाप ने डांट के पढ़ने में डाला, तो हम वो 5 किताबें पढ़ पाए, उसके बाद चिकन में भी हम लग गए, चिकन में लगे रहे। ये ऐसा होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसकी कटिंग की जाती है, कटिंग के बाद में ये लेंथ बनती है, लेंथ के बाद में ये सूट पीस या साड़ी नूरी लेंथ जो भी बनाना है, कुर्ता पीस जो भी बनना है, उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद में पेंटिंग होती है, पेंटिंग होने के बाद में ये माल जो है कढ़ाई पे जाता है, बाहर लखनऊ से बाहर जाता है देहात में, वहाँ से कड़ करके आता है, उसके बाद में ये धुलाई पे जाता है, धुलाई के बाद फिर ये फिनिशिंग होती है, फिर ये बिक्री में आता है। इसलिए सक्सेसफुल रहता है, इसकी तैयारी सिर्फ लखनऊ में ही है और सप्लाई ऑल वर्ल्ड है इसकी जो है, इसलिए और भी सक्सेस है। इसमें मेहनत बहुत है, मेहनत है तो पैसा भी है। और आज के टाइम पे यूँ भी लोग बोलते हैं कि जो है अगर मेहनत करेंगे तो कभी परेशान, कोई भी व्यक्ति होगा वो परेशान नहीं रह सकता है। और मैंने इस काम से भी बहुत कुछ बनाया है, कभी मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है और सिर्फ इसी काम से है, दूसरा काम मैंने कभी कोई किया ही नहीं, कभी दूसरा काम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में बेनिफिट इतना है, दूसरे एक में जरूरत समझते ही नहीं। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। पहले आप की तहजीब हो या फिर खाने की खासियत, लखनऊ की हर चीज में एक नफासत और नजाकत होती है, और ऐसी ही नफासत की खासियत है दुनिया भर में मशहूर यहाँ की चिकनकारी। नवाबे लखनऊ है, लखनऊ की जान चिकन है, चिकन की वजह से ऑल वर्ल्ड में हम फेमस हैं। जो चिकन होता है वह हैंडमेड बनता है और नीडल से ही वर्क होता है, और इसमें थ्रेड और नीडल का ही काम होता है, इसको चिकन आर्ट बोलते हैं। पैसे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर चीज़ कुछ अलग क्वालिटी, कुछ अलग चाहिए, कुछ उसको हम लोग फिर अलग कुछ न्यू जैसे बनाते हैं, कुछ मॉडिफाई उसी में करते हैं, ब्लैक वही सब होते हैं, किसी को ब्लैक नीचे या नी ऊपर करके न्यू कुछ बना दिया जाए, चिकन सेम नहीं होता है, 100 पीस 100 डिजाइन होती है। चिकन के काम की तकनीक को चिकनकारी कहते हैं। चिकनकारी लखनऊ की एक परंपरागत कढ़ाई है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने की थी, और इसका विकास भी मुगल काल में ही हुआ। शुरू में ये सफेद कपड़े पर सफेद धागे से की जाती थी, लेकिन अब इसमें हल्के रंगों का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। आज इसमें मुकेश, शीशा, मोती का इस्तेमाल भी होने लगा है। अवध के नवाबों ने बाद में इस चिकन के काम को संरक्षण दिया। मैं चिकन के कारीगरों के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये सारे वो कारीगर हैं जिनको चिकन का काम बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन इनको मार्केट नहीं मिल पाता है, इनके हाथ में जो कला है वो पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही। उसको आगे बढ़ाने का एक तरीका यही था कि इनको डिज़ाइन सिखा दिया जाए और ये लोग अपने डिज़ाइन बना के और आगे बढ़ें। देखिए, अगर कोई डिज़ाइनर भी आके
क्राफ्ट के साथ काम करता है उस डिज़ाइनर को क्राफ्ट की पूरी समझ नहीं होती, लेकिन ये वो लोग हैं जो क्राफ्ट के साथ पले बड़े हैं। एक 60 दिन का एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि 4 महीने पे स्प्रेड है, तो उसमें ये लोग सीख रहे हैं किस तरह से डिज़ाइनिंग करना है और एक कलेक्शन डेवलप करेंगे अपने ब्रांड के अंडर। सब ने अपने ब्रांड्स डेवलप किए और उसको आगे ये लोग लेके जाएंगे। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चिकन असली में है क्या, क्यों चिकन सफ़ेद में रहा है हमेशा, चिकन में रंग क्यों नहीं है। जो राजा लोग हैं वो सफ़ेद पहनते थे और सफ़ेद पे सफ़ेद से काम होता था, वही चीज़ नवाबों के टाइम भी हुई। वाइट को हमेशा रॉयल माना गया है, राजसी कलर। सर से डिज़ाइन सीखा कि इस काम को डिज़ाइन करके इस क्लास के ज़रिए अलग अलग कैसे डिज़ाइन बनते हैं और डिज़ाइन के अंदर क्या क्या आता है वो कुछ भी नहीं पता था। सब पता चल गया, सारे डिज़ाइन के सिद्धांत पता चल गए कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिदम क्या होता है, या डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है वो भी सब पता चल गया, बहुत कुछ पता चल गया है। और अब हम लोग वही पुराने छापे से काम नहीं कर सकते, अब हम लोग अपना भी काम कर सकते हैं, नया डिज़ाइन बना सकते हैं, दूसरे को दिखा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये सीखा है हम लोग ने, अपने हाथ से बनाया है ये, हमने जो है रिपीट और रिदम पर बनाया है डिज़ाइन, जो ये रिपीट है और ये छोटा बड़ा, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होना रिदम है। उसी पे हमने फिर डिज़ाइन बनाया था कि लहरें बनाया, मछली बनाया जो पानी में पानी में होता है और उसी की मछली की निकलती हुई बूंदे। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर। सुंदरता केवल किसी वस्तु की नहीं होती, वो होती है उन हाथों की निरंतरता की जिनसे उसका सृजन हुआ है। सुंदरता होती है उन कारीगरों की दृढ़ता की। चिकनकारी में 36 प्रकार के टांकों का इस्तेमाल होता है। मुर्री, बखिया, जाली, टेपची, टप्पा, घूम, कटाव, ये मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। 2008 में लखनऊ की चिकनकारी को GI स्टेटस मिला, जिस कारण इसे अब सरकारी मान्यता भी मिली हुई है। तो हम तो शिल्प गुरु हैं, हमको तो उन्हें चांस देना चाहिए और फिर हम आंखों से बेकार हो चुके हैं, इसलिए हमको तो उन्हें चांस बार बार देना चाहिए कि भाई इनका कुछ सारिया जरिया बने, क्योंकि हमें कोई पेंशन भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि चिकन के काम में हमने जान टेक दी, पूरी हस्ती मिटा दी, अपनी आंखें भी गंवा दी। हमको फैस क्या मिला वो आपके सामने, एक डलिया बिनने वाली को 100 रुपये मिल रहे हैं और चिकन बनाने वाली को 20-30 रुपये मिल रहे हैं, तो वो भागी जा रही थी, छोड़े दे रही थी। चिकन का भविष्य तो ठीक है, मगर जो चिकन बैठ रही थी अब उठाने की जो कोशिश की जा रही है ये फ़ायदेमंद है, इन बच्चों के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो लोग शौकीन चिकन के पहनने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। फैमिली में मेरी दादी करती थी, दादी के बाद किसी ने नहीं किया लेकिन हमने किया ये काम। मेरी दादी ने बहुत काम किया ये वाला, जब से दादी का इंतकाल हो गया तो फिर हमने नहीं किया ये काम, हो गए 10-12 साल और ज़्यादा ही हो गया। कढ़ाई के बारे में हम क्या बताएं, हमें सारा काम आता है, सारे टाँके आते हैं और अनोखी चिकन भी आती है जो एक तरफ से ऊपर से काम बना होता है, उधर से एकदम सादा कपड़ा दिखता है। कुछ और करने के लिए नहीं, हमें बस इसका ही शौक है चिकन का। पहले तो हाथ पे बनता था, अब तो आप फ्रेम पे बनाने लगे हैं सब। वैसे थोड़ा कम कम काम आता है उंगली पे रख के, और फ्रेम में थोड़ा ज़्यादा काम आता है तो जल्दी बन जाता है, बस ये है। चिकनकारी की पूरी प्रक्रिया विभिन्न चरणों से होकर पूरी होती है, जिनमें मुख्य हैं डिजाइन, कटाई, छपाई और कढ़ाई। धुलाई इसका अंतिम रूप है।
तो सबसे पहले हमारा काम तो ये होता है कि हमने कपड़ा सोर्स करा और उसे एक कटिंग ब्लेड से हम लोग फिर काट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी लेयर्स लगी होती है 10-20 लेयर्स एक साथ कट जाती हैं। कैंची से बंदा 5 या 6 लेयर्स काट सकता है। कटिंग के बाद उसकी स्टिचिंग होती है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग पे जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसे कोई भी डिज़ाइन मन में सोचे उसका ब्लॉक बनवा लें, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम उस डिज़ाइन को पेपर पे बनाते हैं, फिर हम उसका एक खाका गोदते हैं। खाका गोदने का मतलब एक तरह से उसका स्टेंसिल बनाते हैं पिन प्रिकिंग से। पूरा स्टेंसिल जब रेडी हो जाता है फिर उसके ट्रायल रन लेते हैं। अगर ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा तो उसका वुडन ब्लॉक बनवाते हैं और वो काम आगे बढ़ता है। जहाँ पर हमारे आर्टिजन्स मैन्युअली वुडन ब्लॉक से इंक में डिप करके पूरा प्लेसमेंट करते हैं, डिज़ाइन हम लोग सिलेक्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग प्रोसेस एक तरह से साइमल्टेनियसली हो जाता है। प्रिंटिंग के बाद ये चला जाता है कढ़ाई पे। कढ़ाई पर जाने का मतलब 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि जो कारीगर आते हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं माल लेने, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता हर हफ्ते आना। फिर कढ़ाई के बाद जब वो आ जाता है तो पीस बहुत बहुत गंदा हो जाता है, तो हमें वॉशिंग के लिए देना पड़ता है। उसकी हार्ड वॉशिंग होती है। वो वॉशिंग से जब आ जाता है तो हम उसके धागे काटते हैं, तब फिनिशिंग करके फिर उसकी पैकेजिंग हो जाती है एंड फिर वो क्लाइंट्स को चला जाता है, कस्टमर्स को। कपड़ों को काट छांट कर उनकी सिलाई की जाती है, जिससे वो तैयार होते हैं प्रिंटिंग के लिए। लकड़ी के ब्लॉक्स पर नील और गोंद के मिश्रण को लगाकर कपड़ों पर डिजाइन छापे जाते हैं, जो होने वाली कढ़ाई का आधार होते हैं। हफ्तों महीनों तक बारीक डिजाइन पर चिकन की कढ़ाई की जाती है। सुंदरता केवल किसी वस्तु की नहीं होती, वो होती है उन हाथों की निरंतरता की, जिनसे उसका सृजन हुआ है। सुंदरता होती है उन कारीगरों की दृढ़ता की। इतनी मेहनत और कारीगरी है इस काम में, क्या वैसा ही इसका भविष्य भी दिखता है या फिर कुछ संशय है? अपने काम में पूरी तरह तल्लीन ये हुनरमंद एहसास दिलाते हैं निर्माण की तन्मयता की। पुरुष आते हैं, माल यहाँ से ले जाते हैं, वो गांव में जाकर उसको लेडीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि लेडीज़ पे कोई डिपेंड नहीं है, परमानेंट नहीं काम करेगी इसके ऊपर। जब वो घर से मतलब 2-3 घंटे खाली हुई तो उसने बना दिया। अगर इस पर डिपेंड होगी तो उसकी लेबर बहुत होगी, लेबर होगी तो फिर इतना महंगा बिक नहीं पाएगा।
ये जैसे ट्रेडिशनल आइटम है, ये वाइट वर्क है, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, ये फॉर एवर होता है, ये बरसों से चला आ रहा है यही काम। सफ़ेद धागे ही ट्रेडिशनल है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वर्क पुराने पुराना काम इसी को बोलते हैं, जो लखनऊ का मेन काम पुराना वो यही है। चिकन का वर्क टोटल हैंड वर्क है, इस एम्ब्रॉयडरी को कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसी मशीन नहीं अभी तक बन नहीं पाई है जो सेम ऐसे ही इसको बना दे। ये बैक में अगर जो ओरिजिनल पीस होगा ये, तो इसमें थ्रेड जरूर होगा, ये 10,000 का पीस भी होगा तब भी ये थ्रेड जरूर होगा। अब ये थ्रेड एक एक काटा जाता है, यही इसकी पहचान है कि ये जो है ओरिजिनल है। चिकनकारी विदेशों में कितनी पसंद की जाती है यह उसके निर्यात से समझा जा सकता है। लखनऊ से बहुत प्रोडक्शन में बाहर भी नहीं जाता है, अपना इंडिया में बहुत बिकता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, एक्सपोर्ट हमारा USA में भी होता है, मॉरिशस में हमारा एक्सपोर्ट जो अपना हो रहा है, और बाकी हमारा हिंदुस्तान में तो सब ही माल बिकता है। आज मुझे जो लग रहा है आने वाले पीछे हुए और समय से और आने वाले समय में बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पहले जब हम लोग 20,000 सेल करते थे लगता बहुत हो गया, 2,00,000 करता हूँ सेल नहीं लगता कि बहुत हो गई है। कोई भी हो बंदा जब टारगेट नहीं लेगा तो सर्वाइवल नहीं होगा। बार्गिन नहीं होती कि कस्टमर इसे कभी कभी कहता है ओबलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए, तो कुछ न कुछ कर दिया जाता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर जो कहता है थोड़ा सा उसकी सुनना पड़ता है। मतलब मार्केट में बने रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नई चीज़ लाना, तो डिज़ाइनिंग हम लोग भी करते रहते हैं। जैसे आप देखते थे पहले चिकन में क्या होता था, सिर्फ आपको वही आम का बूटा या कुछ मिल जाता था। नाउ अब हम कोशिश कर रहे हैं और नई चीज़ें डालने का, जैसे नए फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करें उस टेक्स्ट में, या ये आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेके। और इंडिया में तो बहुत स्कोप है, बिकॉज अब हमें एक तरह से चिकन एक आर्ट बन चुका है। इनफैक्ट नॉट ओनली नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बहुत ही अप्रिशिएट करा जाता है। क्योंकि मैं जब बाहर भी थी तो मैं गई थी एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी के पास जो कि स्पेशलाइज करते हैं, और मैंने वहाँ पे देखा कि वो लोग सिर्फ मशीन पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा इंडिया में एक हमारा बिजनेस है जिसमें हम सिर्फ हाथ का काम करते हैं, वो लोग तो बिल्कुल मतलब उनके लिए तो सोने खरीदने जैसा हो गया। जितनी मेहनत और कारीगरी है इस काम में, क्या वैसा ही इसका भविष्य भी दिखता है या फिर कुछ संशय है? क्या आज के कारीगरी की ये उस्ताद अपनी आने वाली पीढ़ी को इस काम के हुनरमंद के रूप में देखना चाहेंगे? बच्चों को आने की कोशिश बहुत कम ही सोची है, क्योंकि इसमें जो है कोई ज़्यादा आमदनी का जरिया नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इस तरह सोचे तो काफ़ी दुकानदारों को भी बेनिफिट मिले, चिकन की पहचान आगे बढ़ सके कि आखिर ये वर्क है क्या। बचपने में काम सीखा था मैंने, और बचपने में सीखते सीखते मुझको कम से कम 8-10 साल लग गए। अगर सरकार मदद करेगी तो कुछ बढ़ सकता है काम काज आगे। इसमें तो कला ही है, कारीगरी मतलब गाड़ी घर की चल रही है बस, मगर पैसा बहुत कम है, मेहनत ज़्यादा है पैसा कम है। अब इसी काम से मेहनत कर करके जो है बच्चों को पालना भी है पढ़ाना भी है। शादी हो गई है, मियाँ ने छोड़ दिया है, तो हम बच्चों को पाल लें अपने, यही काम से अपने बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है। मेरे 6 बच्चे हैं, हमारी एक बेटी है वो हमारे पास रहती नहीं, हमने सोचा इसको सिखाएं, और भी लोगों को सिखा देंगे हम, जब हम सीखेंगे तो बहुत लोग को सिखाएंगे। अब कोशिश यही करेंगे कि जो है अपना डिज़ाइन बनाएं। उंगली के इशारों से ये धागे कपड़ों में जान डाल देते हैं। आकृति अंकन के ये अद्भुत नमूने सजीवता के साथ आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति तो है ही, और भावों में गूढ़ता नहीं तरलता है जो सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। चिकन का जो काम है पेशेंस का काम है, आप लगे रहते हो और आप बॉदर नहीं करते हो कि आप उससे क्या रिटर्न्स आपके आने वाले, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप रिटर्न्स को नहीं सोच रहे हो, आप अपनी तरफ से एक डिवोशन है इनके लिए चिकन, वो डिवोशन एक बहुत बड़ी चीज़ है इनसे सीखने के लिए। हमने एक कमिटमेंट भी लिया इन कारीगरों ने कि एक मिनिमम स्केल डिसाइड किया है, ना तो ये उससे कम पे काम करेंगे ना ये किसी से उससे कम पे काम कराएंगे, एक मिनिमम वेज, जबकि मार्केट उससे 1/4 दे रहा है।
मुझे पहले लगता था शायद इनको मार्केट में ज़्यादा पैसा कमाना, उस तरह से खुश हों, लेकिन मुझे धीरे धीरे इनसे लगा कि ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट चाह रहे हैं अपने क्राफ्ट के लिए, अपने लिए। मतलब चिकन के काम को बहुत ज़्यादा मतलब लोग वो नहीं करते, बहुत वैसी निगाह से देखते हैं कि जो लड़कियां चिकन का काम करते हैं वो लड़कियां मतलब काम नहीं अच्छा है, चिकन के काम को उतनी इज्जत नहीं मिलती है। तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग इस कि हम लोग को उतनी इज्जत मिले इस काम से कि जहाँ पे हम लोग हों तो ये लोग कहें कि ये चिकन का काम करती है, ये मतलब एक इज्जत की नज़र से रेस्पेक्ट मिले, उतनी ज़्यादा मिले। तो इस इतनी तो कोशिश है कि इज्जत मिले इस काम को लेके, कोई वैसी निगाह से ना देखे, अच्छी निगाह से देखे कि हाँ ये लोग ये वाला काम करती हैं। कारीगरों की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा कोई ख्वाब अभी देखा नहीं कि बहुत ऊंचाई तक जाए, क्योंकि उतनी अभी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो इस वजह से हम लोग को ये तो है नहीं कि बहुत ऊंचाई तक के पहुंच पाएंगे, लेकिन अब यहाँ से लगता है कि कोशिश की है पहुंचने की। अगर सब पूरा हो गया ख्वाब तो वो तो पूरा हो गया, देखा नहीं था कि इतनी ऊँचाई तक जाएंगे, ये नहीं सोचा था। यही सोचा है कि ये काम आगे तक के करें, क्योंकि हमें पहले ही से हम सोचते थे, मगर अब मौका मिल गया है, एक मौका मिल गया आगे बढ़ने का, तो कोशिश ये कि आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। कि काम तो सभी बना लेते हैं, डिज़ाइन करा हुआ काम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छे काम की पहचान होती है। एकदम फैंसी काम, सफाई का काम बना हुआ, जो जब तक हाथ में कोई नहीं लेगा उसको देखे ना जब तक, तो दूर से तो सभी अच्छा लगता है। चालू काम इतना खराब खराब बिकता है, हम यही चाहेंगे अब अच्छा काम लोग खरीदें, उसको पहचानें, देखें कि ये अच्छा है या कैसा है। तो अगर हम लोग का काम बाहर जाएगा तो हम ज़रूर चाहेंगे बिके वो। वास्तव में भारत की दस्तकारी को स्वस्थ रखने के सरकारी प्रयास तो होते ही हैं, लेकिन ज़रूरत है आम आदमी के इससे जुड़ने की, एक प्रण करने की कि अपने देश की इस समृद्ध कला को उनका गौरव दिलाने में अपने हिस्से के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाएंगे, तभी तो अतीत की इस विरासत के हकदार बनेंगे। बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकनी की, जिसे देखो पहने हैं साड़ी चिकनी की, नफासत है नजाकत है ये लखनऊ शहर की, दस्तकारी है कलाकारी है ये शहर की, बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकन की, बड़ी खूबसूरत दास्तां है चिकन की, बड़ी खूबसूरत। बाहर के लोग तो अब हम लोग हैं तो कभी हम लोग तो चिकन पहनते ही नहीं हैं, लेकिन बाहर से लोग आते हैं, ख़ास तौर से लखनऊ में क्या लेना है भैया, चिकन लेना है। और चौक में तो चिकन यूँ भी ख़ास तौर से बहुत फेमस है, जो है चौक में जो वैरायटी मिल जाएगी वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे लखनऊ में नहीं मिलेगी फिलहाल। हमें भी शौक है जी, कुछ आगे बढ़ें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, हमको देख देख के मेरी लड़कियाँ और बेटियाँ हैं जो देखेंगी इसको और वो भी कोशिश करेंगी चिकन बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं बेटी है बेटा नहीं है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, औरतें लड़कियां सब आगे बढ़ सकती हैं। हम यही कहेंगे कि हम लोग को मतलब बढ़ावा दें और हम लोग का काम जो है देख के और अच्छा मतलब वो डिज़ाइनिंग देख के ख़रीदें, तो हम लोग को खुशी भी होगी कि हम लोग इस हमारे चिकन में लगे हेंगे। और अगर से हमको बढ़ावा नहीं मिलेगा तो हम लोग का दिल टूटेगा ना, कि हम लोग वहीं के वहीं पड़े। भारत के हर राज्य की तरह ही राजस्थान भी अपनी हस्तकलाओं के लिए, दस्तकारी के लिए विशेष स्थान रखता है, और ये हस्तकलाएं, ये कारीगर युगों का इतिहास संजोए एक निरंतरता बनाए हुए हैं।